डिस्ट्रिक्ट को मैंने मजबूत किया है। जिस साइड से भी आप नजर दोगे डालोगे, हर साइड से आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर। भारतीय जनता पार्टीचे काश्मीर मधले नेते शेख वसीम बारी वडील आणि भावाबरोबर बागेत फिरत असताना त्यांच्यावर संशयित अतिरेक्यांनी हल्ला केला। उत्तर काश्मीरमध्ये जुलै महिन्यात घडलेली ही घटना, गौसिया खान ही त्यांची बहीण फक्त या हल्ल्यातून वाचली, बाकी कुटुंबातले सगळे पुरुष मारले गेले। मी रात्री 9 वाजता आले तेव्हा सगळीकडे सुरक्षा रक्षक होते आणि आजूबाजूला फक्त रक्त पसरलं होतं। सगळे मृतदेह हॉस्पिटलमध्ये नेले आहेत असं मला सांगण्यात आलं। मला रडूच फुटलं, सुरक्षा रक्षक मला तिथून जाऊही देईनात। मग त्यांनीच मला हॉस्पिटलमध्ये नेलं। माझे बाबा, माझे 2 भाऊ, तिघांचे मृतदेह एकत्र ठेवले होते। माझं अख्खं कुटुंब एका दिवसात उद्ध्वस्त झालं। काश्मीरमध्ये जुलै महिन्यापासून किमान 5 भाजपच्या नेत्यांची संशयित अतिरेक्यांकडून हत्या झाली आहे। त्यानंतर काही भाजप नेत्यांनी घाबरून पक्षसुद्धा सोडला। असे 15 नेते आहेत ज्यांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला। बीजेपी नेशनलिस्ट की सबसे स्ट्रांग वॉइस है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद वंदे मातरम की थी और कश्मीर की सर जमीन पर भी वही सेम नारा है। बेसिकली वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ भारत माता की जय हो। उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट के जरिए जो हमारे नहते मासूम जो हमारे लीडर्स थे उनको टारगेट बनाना शुरू कर दिया। भाजपच्या बऱ्याच नेत्यांनी सुरक्षित जागी आसरा घेतला आहे, त्यांना विशेष सुरक्षा सुद्धा प्रशासनानं पुरवली आहे। पक्षाच्या प्रवक्त्यांनीच BBC ला दिलेल्या माहितीनुसार 1600 भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अशाच प्रकारच्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलंय। सेफ हाऊस मे जिंदगी लाईक जेल लाईफ जैसे, मतलब जेल में होते वैसे ही सेफ हाऊस भी होता है, बट इट इज ड्यू टू द बैड सर्कमस्टेंसेस। हाँ, अब जब लोग भी समझेंगे अच्छी बात सही बात क्या है, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं हमें अपना जो आवाम पूरा साथ देगा। जब उनको क्लियर हो जाएगा कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराई है, तो हमें उम्मीद है वो हमें साथ देंगे। इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में हम आराम से घूमेंगे हर एक गली गली में। परवीन अख्तर दक्षिण काश्मीर मधल्या एक राजकीय नेते आहेत। त्यांना सुद्धा जीवे मारण्याची धमकी आल्यामुळे सुरक्षा देण्यात आली आहे, पण त्यामुळे कार्यकर्त्यांबरोबरचा संपर्क तुटला असल्याची तक्रार त्या करतायत। उन्होंने हमें स्कोटी जोन में रख दिया, हमारी सेफ्टी के लिए रख दिया है, ठीक है, ये मानते हैं हम, उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए रख दिया। लेकिन बात ये है, अगर हम होटलों में या स्कोटी के अंडर बैठ जाएंगे तो लोगों का काम कैसे चलेगा? क्यों? लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं हम, उनको अपने अपने ब्लॉक वाइज तहसील वाइज अकोमोडेट करें, वहाँ उनको स्कोटी प्रोवाइड करें, तब जाकर उनका मुश्किल जो है वो हल हो सके। काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा उद्रेक झाला तेव्हापासून इकडे राजकीय नेत्यांवर जीवघेणे हल्ले होत आहेत। खोऱ्यामध्ये सरकार आणि निवडणुका यांच्यात स्थिरता नसल्यामुळे असे हल्ले होत असल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत। There has been no political activity. मागच्या वर्षभरात काश्मीरमध्ये कुठलीही राजकीय घडामोड नाही आणि जे घडतंय त्यात राजकीय पक्षांचा काही सहभाग नाही। अशा परिस्थितीत दिल्लीत बसलेला केंद्रातला सत्ताधीश पक्ष इथल्या घडामोडी आणि कारभार ठरवणार असेल तर त्यातून चिडचिड होणारच। हिंसाचार वाईटच, मीही तेच सांगेन, पण असा हिंसाचार निर्माण व्हायला पोषक वातावरण इथं आहे इतकंच मला म्हणायचं आहे। अधिकतर BJP मेंबर्स को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में महफूज होटलों और सरकारी आवासों में शिफ्ट कर लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने BBC को कहा कि हर पार्टी मेंबर को अलग से सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, जब तक खतरा कम ना हो जाए और जब तक उनके ज़िलों में उनकी सुरक्षा को लेके पुख्ता इंतज़ाम ना किया जाए। लिहाजा मौजूदा हालात में BJP के मेंबर्स की हिफाजत का यही तरीका है। आमिर पीरजादा, BBC न्यूज़, श्रीनगर।